Hi everyone, I am Pragati from Pragati Progress Classes. Today we are going to learn TVS 9 chapter 2nd standard. Days to celebrate. In this chapter we will learn national festivals, religious festivals. India is also known as a land of many festivals. All of us love to celebrate festivals and functions. We celebrate functions like birthday, wedding and anniversaries with our friends and relatives. India kya hai? Isko tevharon ka desh bola jata hai. Isme bahut sare tevhar manaye jate hain. Aur yahan pe kya hai? Alag alag religion ke log rehte hain. To sabka festival hum saath mein manate hain, na? और बर्थडे, वेडिंग, एनिवर्सरी ये सब भी हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. अ फेस्टिवल इज एन इवेंट विच इज यूजुअली सेलिब्रेटेड बाय अ कम्युनिटी एज अ लोकल और नेशनल इवेंट. फेस्टिवल उसे बोला जाता है कि वैसा इवेंट जो सेलिब्रेट किया जाता है एक कम्युनिटी के द्वारा या लोकल और नेशनल के द्वारा. यानी नेशनल फेस्टिवल भी होते हैं और वैसे फेस्टिवल जो एक कम्युनिटी यानी एक रिलीजन के लोग उसको मनाते हैं. जैसे हिंदू धर्म के लोग तो दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं. मुस्लिम धर्म के लोग बकरीद, ईद, इस तरह से सबका अलग अलग फेस्टिवल होता है और वो मनाते हैं. फेस्टिवल्स आर टू टाइप्स फेस्टिवल होते हैं, एक नेशनल फेस्टिवल और दूसरा रिलीजियस फेस्टिवल. वी सेलिब्रेट सम नेशनल फेस्टिवल्स लाइक डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. ये सारे ये तीनों क्या हैं? नेशनल फेस्टिवल है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती. एंड वी ऑल्सो सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस एज रिलीजियस फेस्टिवल. ये सारे क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल है, यानी हिंदू रिलीजन के लोग उसको मनाते हैं, हिंदुइज्म वाले. नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 1947 आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस. इंडिया बिकम ए फ्री कंट्री. 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हो गया था, आज़ाद हो गया था. हमारा जो देश था अंग्रेजों ने इसको गुलाम बना के रखा था. 200 साल हमारे देश पे अंग्रेजों ने राज किया. और हमारा देश कब आज़ाद हो गया? 15 अगस्त 1947 को. और हमारा देश पूरी तरह से फ्री हो गया है ना. We celebrate it as our Independence Day on this day every year. और हम every year Independence Day celebrate करते हैं उस day को. On this day every year, the Honorable Prime Minister of our country hoists the national flag at the Red Fort in New Delhi. और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो flag लहराते हैं Red Fort पे Independence Day के दिन, है ना. He addresses the nation and give a message to the people to motivate and encourage them to be proud of their country. और उस दिन वो स्पीच देते हैं रेड फोर्ट से पूरे अपने इंडियंस को, अपने देशवासियों को मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं कि अपने देश में क्या क्या अच्छा काम हुआ है, ये सारी बातें करते हैं, है ना. Republic Day, 26 January is celebrated as Republic Day. On this day in the year 1950, India got a constitution. This is a set of our rules for the smooth and lawful functioning of the country. है ना? तो 26 January को क्या हुआ? हमारा देश गणतंत्र हुआ. गणतंत्र हुआ यानी उस दिन हमारा constitution बना. और constitution यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि क्या क्या लॉ हमारे देश में चलाए जाएंगे. अभी अभी तक तो हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था तो उनके द्वारा से हमारे देश पे शासन के नियम थे, है ना. अब हमारा देश है जो हमारा कंट्री है जो इंडिपेंडेंस हो गया तो अब इसके अपने अलग अलग कानून होंगे. कैसे रेल के लिए क्या कानून बनाया जाएगा, क्या डॉक्टरों के लिए कानून होंगे, क्या टीचरों के लिए कानून होंगे, है ना. किस तरह से देश चलाया जाएगा इस इन सभी को ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. और ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को बनाया गया यानी 1950 में. ऑन दिस डे ऑल पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेस एंड द स्कूल होस्ट द नेशनल फ्लैग एट राजपथ इन दिल्ली. अ परेड इज हेल्ड इन विच द प्रेसिडेंट ऑफ
स्पीच देते हैं। और जो भी नेशनल जो भी ऑफिस है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे स्कूल है, हर जगह पे नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाता है रिपब्लिक डे के दिन। गांधी जयंती, वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती। ऑन दिस डे महात्मा गांधी वाज बोर्न। ही इज नोन टू एज द गांधी और बापूजी। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। ऑन दिस डे स्पेशल प्रेयर्स एंड मीटिंग आर हेल्ड स्पेशली एट दिस समाधि एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। राजघाट न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में राजघाट है, वहाँ पे ये महात्मा गांधी का समाधि बना हुआ है। वहाँ पे हमेशा दीप जलते रहता है। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और महात्मा गांधी उस दिन महात्मा गांधी को बापू भी बोलते हैं और फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल, दिवाली। दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ द हिंदूज। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विद ग्रेट जॉय एंड एंथुजियम इन द कंट्री। इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली है जो हर साल मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे दीपों का त्यौहार बोला जाता है और दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है ना। द फेस्टिवल ऑफ दिवाली मार्क्स द हैप्पी रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल। दिवाली और दीपावली मीन्स अ रॉ ऑफ और कलेक्शन ऑफ लैम्प, है ना। तो दिवाली किस खुशी में मनाया जाता है, जो हमारे राम भगवान थे वो 14 वर्ष का जो उनका वनवास था वो काट के उसी दिन वापस आए थे अयोध्या, और अयोध्या में उनके आने के खुशी को सेलिब्रेट किया गया था। दीप जला के पूरे पूरे अयोध्या को दीप से सजा दिया गया था और सेलिब्रेट किया गया था। इसी दिन से दिवाली मनाया जाने लगा। अ फ्यू डेज बिफोर दिवाली हाउसेज बिल्डिंग शॉप्स एंड टेम्पल्स आर थ्रोली क्लीन पेंटेड एंड डेकोरेटेड विद पिक्चर्स एंड फ्लावर्स लैम्प्स आर लिट ऑन द डेज ऑफ दिवाली, है ना। तो इस तरह से दिवाली के दिन में अपने घरों को सब अच्छे से साफ सफाई करते हैं और अपने घरों में घी के दिए जलाते हैं, हर जगह पेंट वगैरह करवा के पूरे अच्छे से सफाई होती है। दशहरा, दशहरा इज अ वेरी फेमस एंड रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट रिजॉय इन अदर कंट्रीज लाइक नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश टू। दशहरा सिग्निफाइज एंड सेलिब्रेटेड। दशहरा हिंदुओं का मेन त्यौहार है और ये जो दशहरा है वो लंका में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में भी ये मनाया जाता है और नेपाल में, लेकिन इंडिया में इसको ज़्यादा अच्छा से मनाया जाता है। द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर एविल किंग रावण, है ना। रावण को जो राम भगवान ने हराया था उसी के खुशी में इस दिन दुर्गा पूजा मनाया जाता है। द विक्ट्री ऑफ गॉडेस शक्ति ओवर द डेमन महिषासुर, है ना। जो देवी गॉडेस थी शक्ति, उन्होंने महिषासुर को भी मारा था इसी दिन। एज अ मार्क ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन डांस आउटडोर प्लेस एंड ड्रामास कैन बी सीन इन ऑल प्लेसेस इन नॉर्दर्न इंडिया। ह्यूज रावणा एफिजियस आर बर्न एवरी ईयर ऑन दिस डे। अभी क्या है ये, पहले अभी क्या है टीवी हो गया ना, तो अभी ड्रामा नाटक ये सब कम होता है, लेकिन पहले ज़्यादा ये सब, जब रामनव दुर्गा पूजा आता था, दिवाली आता था, तो इस तरह से बहुत से नाटक किए जाते थे और नाटक के द्वारा दिखाया जाता था कि हाँ कैसे राम भगवान ने रावण को हराया था कि, और उनकी पूरी स्टोरी नाटक के द्वारा दिखाया जाता था। अभी तो आप टीवी पे सारा कुछ सीरियल में देख लेते हैं इजली, है ना। और अभी भी ये नाटक किया जाता है, 9 दिन चलता है हर जगह पे अलग अलग, अपना दिल्ली में भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे दिखाया जाता है। ईद उल फितर, ईद और ईद उल फितर इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम। दिस फेस्टिवल मार्क द एंड ऑफ रामनंदन। रामनंदन इज ए होली मंथ, गलत है। दिस फेस्टिवल मार्क द एंड ऑफ रमजान। रमजान इज अ होली मंथ ऑफ फास्टिंग। ईद इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ दिस होली मंथ। मुस्लिम ऑफर स्पेशल प्रेयर इन मस्क
सेवैयाँ आर स्पेशल स्वीट डिश सेवरल टू ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली। ईद को मुस्लिम रिलीजन के लोग मनाते हैं और इस दिन क्या है, ये जो पूरे मंथ होता है रमज़ान का महीना होता है, बहुत ही पवित्र महीना होता है और डेली ये लोग उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं पूरे दिन, है ना, और नमाज पढ़ते हैं, 3 टाइम नमाज पढ़ते हैं। और स्पेशल डिश इनका क्या होता है, स्पेशल डिश होता है सेवैयाँ, जो अपने फैमिली फ्रेंड सबको एक दूसरे को बांटते हैं। गुरुपर्व, गुरुपर्व इज ऑल्सो नोन एज गुरु नानक जयंती। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु। और ये गुरुपर्व मनाया जाता है कब, गुरु नानक जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। और गुरु नानक जी क्या थे, वो गुरु नानक जी फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ सिख्स। और ये सिखों का सबसे बड़ा त्यौहार है। द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड एज गुरुपर्व। गुरुपर्व इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक ऑन द डे ऑफ द फुल मून नोन एज कार्तिक पूर्णिमा। और गुरुपर्व है कब मनाया जाता है, गुरुपर्व सेलिब्रेटेड इन कार्तिक मंथ, है ना, हिंदी का जो कार्तिक मंथ होता है जिस दिन फुल मून आता है उसको कार्तिक पूर्णिमा बोला जाता है। उस दिन ही गुरु नानक जी का जयंती मनाया जाता है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों अपने घरों में दिया जलाते हैं, एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं और वो लंगर भी करते हैं, जो कि लंगर चलाते हैं स्पेशल मील्स सेवरल टू ऑल, सबके लिए, जो भी कोई भी आके लंगर खा सकता है। क्रिसमस, क्रिसमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द क्रिश्चियन। इट फॉल्स एवरी ईयर ऑन 25th ऑफ दिसंबर। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जेसस क्राइस्ट। क्रिसमस एवरी ईयर 25th दिसंबर को मनाया जाता है और जो जेसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। देयर इज ए बिग ट्रेडिशनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट एट मिड नाइट ऑफ क्रिसमस ईव बाई सांता क्लॉज। एवरी डे इंजॉय क्रिसमस बाय सिंगिंग सांता क्लॉज। एवरी वन एंजॉय क्रिसमस बाय सिंगिंग डांसिंग एंड पार्टिंग एंड मीटिंग ईच अदर। और क्रिसमस के दिन केक लाते हैं और अपने घरों में वो क्रिसमस ट्री लगाते हैं, क्रिसमस ट्री को अच्छे से सजाते हैं। और ये ज़्यादा क्रिश्चियन रिलीजन के लोग क्रिसमस को मनाते हैं, है ना, और सांता क्लॉज बन के नाइट में सबको गिफ्ट देते हैं सांता क्लॉज। अदर फेस्टिवल, होली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स इन इंडिया। इट इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल एंड मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ द हिंदू। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। पीपल प्ले विद द कलर एंड रिजॉइस। अभी होली जो है वो हिंदी का मंथ जो है चैत, चैत का जिस दिन शुरुआत होता है उसी दिन होली मनाया जाता है और एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाई खाते हैं और उत्साह से डांस करते हैं, नाच गाना होता है और बहुत अच्छे से होली मनाते हैं। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी इज अनदर हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ कृष्णा। कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज एन अवतार ऑफ गॉड विष्णु। लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न इन मथुरा गोकुल एंड वृंदावन वॉज हिज प्ले ग्राउंड, है ना। वृंदावन में उन्होंने बहुत टाइम बिताया अपने साथियों के साथ, है ना, गुरुकुल में। और उनका जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था लॉर्ड विष्णु को माना जाता है कि वो कृष्ण भगवान लॉर्ड विष्णु के अवतार थे जिनका जन्म हुआ था जन्माष्टमी के दिन। और उनका जन्म मथुरा में हुआ था, गोकुल और वृंदावन गया था उनका प्ले ग्राउंड। पोंगल इज द बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर द पीपल ऑफ तमिलनाडु। पीपल पोंगल इज द बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर द पीपल ऑफ तमिलनाडु। पीपल बिलोंगिंग टू हिंदू फेथ ऑब्जर्व दिस फेस्टिवल टू प्लीज द सन गॉड हु हैज बीन काइंड टू देम। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अराउंड 14th जनवरी एवरी ईयर। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन इज एन एंशियंट इंडियन फेस्टिवल। इट सेलिब्रेटेड द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन अ सिस्टर एंड ब्रदर। रक्षाबंधन
बंधन है, जो पौराणिक ये फेस्टिवल है जो भाई बहन के आपस के प्यार को दर्शाता है। बहन भाई के हाथों में राखी बांधती है और भाई बहन को गिफ्ट देते हैं। द फेस्टिव इज मोस्ट कॉमन एमंग द हिंदू, ये हिंदू का फेस्टिव है। हाउएवर इट इज सेलिब्रेटेड बाई द सिख जैन एंड अदर कम्युनिटीज टू। और अब ये है जो सिख जैन और भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। द सिस्टर टाइज अ थ्रेड थ्रेड ऑन इट ऑन द रिस्ट ऑफ द ब्रदर, द ब्रदर प्रोमिसेस टू ऑलवेज प्रोटेक्ट हिज सिस्टर। और भाई बहन है जो थ्रेड टाइज करती है अपने भाई के हाथ में, यानी राखी बांधती है, और भाई बोलता है कि मैं आपका हमेशा रक्षा करूँगा। और ये फेस्टिवल बहन भाई के प्यार का फेस्टिवल है, और मैंने अच्छे से आपको ये सारा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। इफ़ यू हैव एनी डॉट यू कैन आस्क ऑन माई कॉमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लाइक कॉमेंट।